नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसको पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, ये रीडिंग होगी 5 से लेके 11 तारीख तक की। 5 से लेके 11 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि 5 से लेके 11 तारीख तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी। जजमेंट, मुझे लगता है आप किसी रिश्ते को दोबारा से पाने के बारे में सोचोगे। ये सिंगल्स का रीडिंग है, हो सकता है आप किसी रिश्ते में थे, जो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है ऐसा आपको लग रहा था, लेकिन दोबारा से आप उस रिश्ते को पाने के बारे में सोचोगे। यूनिवर्स से प्रेयर करोगे, भगवान से मदद मांगोगे कि आपको वो रिश्ता मिल जाए, आपके साथ आपकी पर्सन की रिकॉन्सिलेशन हो जाए। इस तरीके की सोच के साथ आप पूरे हफ्ते बिताओगे और साथ ही साथ आप अपना प्रेयर जारी रखोगे, हीलिंग करोगे, कुछ चैंटिंग वगैरह, भगवान से प्रेयर करना, इन चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व करोगे। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। अभी हम देखेंगे इन दिनों कि आप पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी। पास्ट में 10 सन का कार्ड था, पास्ट में तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खुशी थी आपके घर में, आप खुश थे, आपके हो सकता है नए मेहमान आया था घर में, बच्चे थे, बच्चे हुए होंगे, आया होगा, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आया होगा, आपको मिला था, आपने खुशी खुशी बहुत सही तरीके से रिश्ते को आपने समझा, रिश्ते को जिया है आपने, आपको विक्ट्री मिली थी इस रिश्ते में, आपने सूझबूझ और समझदारी के साथ रिश्ते को चलाया होगा, खुश थे आप। पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी एनर्जी थी। सन का कार्ड इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन ऑल द डेक्स, तो डेक आप पास्ट कि आपकी एनर्जी बहुत हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जी थी। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, देखेंगे कि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। प्रेजेंट में आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से देखना पसंद कर रहे हो, बैलेंस करना चाहते हो। अगर आपको किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था तो आप उसका उम्मीद कर रहे हो, या फिर आपने किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था तो आप देने के बारे में सोच रहे हो। अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, कुछ दान ध्यान करना, पैसे देना, लोगों की मदद करना, पैसे को बैलेंस करना, अपने वक्त को, अपनी इमोशन को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में आप सोच रहे हो। साथ ही साथ आप कुछ सामाजिक कार्य में भी आप जुड़े हुए हो, लोगों की मदद करना आपको अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ उनके तकलीफ में खड़ा होना, मतलब लोगों की मदद करना, दूसरों की परेशानी को कम करने के बारे में आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे क्या इन दिनों पास से आपके लाइफ में कोई आ सकता है। यस, हाँ आ सकता है, जो भी बंदा या बंदी आएगा वो खुद को हील कर रहे हैं, उन्होंने भी हो सकता है रिश्ते में कोई गलत किया है जिसकी वजह से इस रिश्ते में जजमेंट का स्थिति आया है, ये सिंगल्स का परिस्थिति आया है, तो वो बंदा या बंदी आने की चांसेस है आपके लाइफ में। जो भी आएगा बंदा सुलझा हुआ समझदार बंदा या बंदी होगी। अगर ये पहले इस तरीके का नहीं था लेकिन अब ये पूरी तरीके से तैयार होके आ रहा है, खुद को हीलिंग दे रहा है, हील कर रहा है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है बंदा या बंदी, ये भी अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करने के साथ साथ रिश्ते को भी बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। कोई बंदा या बंदी जो
अंदर से पूरी तरीके से बदल चुका है, ऐसा कोई पर्सन दोबारा से आपके लाइफ में आ रहा है जो पहले आपके लाइफ में था, जिनकी सूझबूझ समझदारी में कुछ परेशानी आया था, जो सोच और करना करने और सोच में उनका अंतर था, लेकिन अभी ये बंदा या बंदी जो भी दोबारा से आपके लाइफ में आ रहा है, आके आने के बारे में सोच रहा है, वो पूरी तरीके से बैलेंस होके खुद की इमोशन को एनर्जी को बैलेंस करके बंदा या बंदी आ रहा है। अभी हम देखेंगे जो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या आपके लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी आ सकते हैं क्या। एट ऑफ पेंटिकल्स नहीं, उस तरीके से नहीं। जो भी अगर आप कोई अगर नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस रिश्ते के लिए। अगर आप किसी नए रिश्ते को, कोई भी बंदा जो भी ये रीडिंग देख रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पुराने रिश्ता ना आए और आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस रिश्ते के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इतनी जल्दी जैसा कि आप सोच रहे हो कि मुझे नए रिश्ते मिल जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। फिलहाल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई नया रिश्ता मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप महीनों से मेहनत कर रहे हो, सालों से कोई लोग मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। आपकी मेहनत अभी जारी रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए नए रिश्ते मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में कोई आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है कैंसर के, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। कैंसर यानी कर्क राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। कैंसर यानी कर्क राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, गाइडेंस बताइए प्लीज़ यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी है लाइफ में, फिलहाल के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो आपको किसी से मिलके टीम वर्क करके उस परेशानी को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, खास करके कोई ऑपोजिट सेक्स का मदद लेने पड़ेगा। आप जिस भी जेंडर के हो, आप कोई ऑपोजिट जेंडर का मदद अगर आप लेते हो तो आपका काम बनेगा। चाहे आप रिश्ते में भी अगर आना चाहते हो, रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हो, तो भी आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। जिस भी काम को आप करने के बारे में सोच रहे हो, खास करके अगर आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, कोई बिजनेस करना, जॉब करना, तो आपको किसी ऑपोजिट जेंडर की मदद से आपको काम, आपका काम बनेगा और आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो भी रुका हुआ काम है वो बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।